अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली आइसक्रीम है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कस्टर्ड एप्पल ले लेंगे, शरीफे ले लेंगे 5। उसके बाद हम इसे बीच में से हाफ कट करके इसका पल्प निकाल लेंगे। जिस तरह मैं पल्प निकाल रही हूँ उस तरह बहुत ईजी होता है पल्प निकालना। पहले आप शरीफे को बीच में से हाफ कट कर लें, फिर एक स्पून की हेल्प से आप इसकी अंदर से सारा जो इसका पल्प है वो निकाल लें और एक स्ट्रेनर की मदद से उसको ड्रेन कर लें अच्छी तरीके से। अब मैं विक्स की हेल्प से इसे इस तरह से मिक्स करूँगी जैसे बीच रह जाएगी हमारी स्ट्रेनर में और सारा जो पल्प होगा वो नीचे हमारे बोल में आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकेंगे ना, लेकिन निकल जाएगा ईजीली। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कप क्रीम ले लेंगे, व्यूबी विप क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और उसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे जब तक इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। 5 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरीके से बीटिंग कर ली है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप कोल्ड मिल्क ऐड करेंगे और इसमें 1 कप हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बारीक चीनी है वो भी ऐड कर सकते हैं, आइसिंग शुगर है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी को घर में पीस लिया था, इसको पाउडर बना लिया था, वो मैंने 1 कप ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। इससे आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है और रिच सी बनती है हमारी आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे 3/4 कप यूज़ किया है कंडेंस मिल्क, और ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। घर में बहुत ईजी से बन जाता है, जल्दी से बन जाता है कंडेंस मिल्क। उसके बाद हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे बीटर से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट हो चुका है, अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। एक दूसरे बोल में जो हमने कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकाला था वो ले लेंगे हम 1.5 कप। 1.5 कप हमने वो कस्टर्ड एप्पल का पल्प ले लिया है। अब हम इसमें अपना जो आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी किया है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अभी अच्छी तरीके से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम का। अब हम इसको एक कंटेनर में डालकर तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सेट हो जाए ताकि ये 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और याद रखें डब्बा बिल्कुल टाइट बंद करेंगे, क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं होगा हमारा डब्बा तो इस पर क्रिस्टल्स जम जाते हैं और इससे आइसक्रीम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनती। तो हम बिल्कुल इसको टाइट करके 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 3 घंटे बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये 3 घंटे मिक्स करने से क्या होता है, हमारी आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बनती है, उसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार सा आता है, इसलिए हम ये स्टेप करेंगे। 3 घंटे बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, जब तक ये पूरी फ्रीज़ हो जाए। अभी ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद हमारी मज़ेदार सी कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।